हाँ तो कार्रवाई शुरू की जाए। गेस्ट साहब, मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। यही हस्बैंड और वाइफ का विवाद है। पांडे जी, पहले आप अंग्रेजी बोल लो या हिंदी बोल लो, एक लैंग्वेज नहीं बोली जा रही आपसे। बने फिर रहे हो अंग्रेज के पापा? जी जी गेस्ट साहब, आगे से ख्याल रखेंगे। ख्याल क्या रखेंगे, अपनी बीवी का तो रख नहीं पाए। हमसे ज्यादा पर्सनल जाने की जरूरत नहीं है, वरना जस्ट साहब का आप बाला देख रहे हैं, आपके पिछवाड़े में घुसेड़ देंगे। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। बताइए क्या लेके आए? चौमिन, बर्गर, डोसा, मोमो, चिली पराठा, तवा पराठा, सादा पराठा, सड़ा पराठा। ऑर्डर ऑर्डर। ससुर के नाती इतनी सारी चीजें बताई, इसमें से ऑर्डर कर ले, क्यों कान फाड़ रहा है ऑर्डर ऑर्डर चिल्ला चिल्ला के? अरे माफ कीजिए जस्ट साहब, हमारा क्लाइंट एक होटल में वेटर है, तो प्लीज आप ऑर्डर बोलेंगे तो उसे लगेगा कुछ मंगा रहे हैं। अरे पांडे जी, आप जस्ट साहब का अधिकार छीन रहे हैं, ऐसा तो किसी भी कोर्ट में नहीं होता है। जस्ट साहब ऑर्डर ऑर्डर ना बोले ये तो असंभव है। देखिए आप अपना मुंह बंद कर लीजिए, वरना हम आपके बाला घुसा देंगे। ऑर्डर ऑर्डर। चौमिन, बर्गर, डोसा, मोमो, चिली पराठा, तवा पराठा, सादा पराठा, सड़ा पराठा। ए बेटर की औलाद, तुझे हम यहाँ पर सड़ा पराठा खाने वाले लग रहे हैं, मुंह बंद रख। अरे जशा, फिर भी आप ऑर्डर शब्द का प्रयोग ना करें, प्लीज यार, मान जाइए। ठीक है, नहीं करेंगे ससुर, बड़ा ही विचित्र प्राणी लेके आया है। हाँ तो क्या हुआ इन दोनों के बीच? पांडे जी शुरू कराइए कार्रवाई। माई लॉर्ड, ये औरत घर का बिल्कुल भी काम नहीं करती है, केवल और केवल सास बहू के सीरियल चला करके घर में गुंडा राज फैला रखा है। हमारे क्लाइंट इनसे पोछा लगवाती है, झाड़ू लगवाती है, बर्तन धुलवाती है, कपड़े धुलवाती है, और तो और इन्हें कुत्ता बना करके गार्डन में पोटी करवाती है। माई लॉर्ड, हमारा क्लाइंट बहुत ही कष्ट झेल रहा है, कृपया इसका समाधान निकालें। इधर देखो, तुमने कब देखा कि हम घर का काम नहीं करते हैं? मारेंगे थप्पड़ घुमा के, घूम जाओगे यहीं के यहीं। आप शांत रहिए, जब आपसे बोलने के लिए कहा जाए तभी बोलिए, समझ गई आप? अरे मैडम जी, अभी हम हैं तो जिंदा हैं, आप काहे बोल रही हैं, आपकी बात हम बोलेंगे। अरे पांडे जी, आप आधी बात क्यों बता रहे हैं? जस साहब, ये औरत टीवी पे गाने चला करके पूरे घर में मुजरा करती है। हमारा घर हम कुछ भी करें, तुम्हारी आते काहे सुलगी जा रही है? टीवी में रिचार्ज हमारी अम्मा कराती है, तुम्हारे पैसों का नहीं करवाते है। अब चाहे उसमें हम मुजरा चलाएं, चाहे मुर्गा कटवाएं, ए, आपसे मना किया गया है, आप बीच में क्यों बोल रही है? आपको समझ में नहीं आता एक बार में? ए सन की बुट्टे, वो भी तो बोल रहा है बीच में, ये नहीं दिख रहा तुझे? ए वकील, ये तुम किस प्रकार की औरत को पकड़ के लेके आए हो? ये ससुरी सीधे मुंह बात नहीं कर रही है तो अपने पति पे क्या क्या करती होगी? जस साहब, इस औरत से तो बात करे जमाना हो गया, बात नहीं है कलेश करती है कलेश। बात करे जमाना नहीं, कलेश करे जमाना हो गया। कभी बैठ के प्यार से दो बातें की है? दिन भर मेरी चप्पलें ही खाता रहता है। आपसे मैं कितनी बार कहूँ, क्यों बोल रही है आप बीच में? समझ नहीं आ रहा आपको? ससुरी मेरी लुगाई होती, चुटिया पकड़ पकड़ के मारता। वो अभी तो बोल रहा है बीच में, ये नहीं दिखाई दे रहा तुझे? बदकी बुट्टे। जिस प्रकार के शब्द ये औरत आपके लिए यूज कर रही है, उसी प्रकार के शब्द, या यू कह ले उससे भी खतरनाक शब्द, उससे भी गंदे शब्द ये हमारे क्लाइंट पर यूज करती है। केस एकदम क्लियर है पानी की तरह। हमारा क्लाइंट इतने वर्षों से दुख झेलता आ रहा है, अब उसके पिछवाड़े में इतनी दम नहीं बची है कि वो और कष्ट झेल सके। ठंडी से इसको न्याय दिलाए। देखिए जस साहब, मैं पांडे जी की बात से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। लाओ जस साहब का भाला, तुम्हें संतुष्ट। थप्पड़ मार देंगे, बता रहे हैं। ऑर्डर ऑर्डर। ये कैसी लड़ाई हो रही लगी है? ऑर्डर ऑर्डर। क्या लाऊं सर? चौमिन, बर्गर, डोसा, मोमो, चिली पराठा, तवा पराठा, सड़ा पराठा। दास ससुर, तेरे सड़ा पराठा की कुतिया मारू, मुंह बंद रख। ऐसे ही ये घर पर पूरे दिन मुंह चलाता रहता है, बकर 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 बकर। तो बताइए कलेश होगा घर में या नहीं होगा? तुमसे बीच में बोलने को मना किया है, तुम्हें समझ नहीं आता एक बार में? अभी उसने भी तो बीच में ऑर्डर दिया, उससे क्यों कुछ नहीं कह रहा है? मुझ पर ही क्यों भड़क रहा है बार बार? देखिए जस साहब, ये बेटर एक नंबर का खंजेड़ी है, पूरे दिन शराब पीकर हमारे क्लाइंट को मारता रहता है। हद तो यहाँ तक हो गई, इस गंजेड़ी ने हमारे क्लाइंट के हाथ पकड़ के उसके मुंह में पूरी बोतल लौट दी शराब की। बताइए। हाँ पीते हैं, अपनी कमाई की पीते हैं, आपकी क्यों फटी जा रही है? गधे की औलाद, पीना गलत नहीं है, पी करके बीवी को मारना गलत है। मेरी बीवी मैं मारूं काटूं, मेरी मर्जी। और तुम इधर सुनो झुंझुट की अम्मा, ये आदमी तुम्हारा बहुत पच ले रहा है, कहीं तुमने इससे तो निकाह नहीं कर लिया? हाँ कर लिया मैंने निकाह, दो बच्चे भी है हमारे, बोल अब क्या करेगा।
क्या कहा? निकाह कर लिया। मुझे पता था तू सुसुरी धोखेबाज ही निकलेगी। तुम्हारे भरोसे बैठी रहती तो हो गई थी जिंदगी बर्बाद। मजबूरी में किया मैंने इससे निकाह। अरे गुप्ता जी, आपने बताया नहीं आपका दूसरा निकाह हो गया। वाह भाई। अरे जज साहब, ये हमारी बीवी नहीं है। नाना झूठा इल्जाम लगा रही है ये औरत। पता ही नहीं है हमारी बीवी। ओहो गुप्ता जी, ये केस बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। ससुर पता ही नहीं चल रहा कौन किसका पति है और कौन किसकी बीवी है। और वकील साहब, यार आपसे ये उम्मीद नहीं थी हमें कि आप भी इस केस में नए हस्बैंड बन के उभरेंगे। अरे जस साहब, ये औरत झूठ बोल रही है। ये पांडे जी का क्लाइंट यार हमको ठीक लगता है। आप इसी को ही केस जिता दीजिए। हमें केस नहीं जीतना, अब हमको चाहिए तो तलाक। हमें बस तलाक चाहिए। अब बहुत बननी है ससुर तुम्हारे सोहर। तीन तलाक हो चुके हैं तुम्हारे। क्या चौथा तलाक कराऊंगे? अबे तेरे तीन तलाक हो चुके हैं फिर भी तुझे अपनी बीवी संभालने नहीं आया है? औरत को कैसे रखते हैं घर में, कैसे दबा के रखते हैं, ये तुझे नहीं आया है? ससुर झूठा इल्जाम लगा रही है हम पर, मेरे को जबरदस्ती अपना सोहर बना रही है। दबा के रखा होता तो यहाँ कोर्ट में नहीं खड़े होते। देखिए गुप्ता जी, आप अपनी मनसा मत बदलिए, इनका साथ दीजिए। आप तो पच पलट के पांडे जी को मजबूत कर रहे हैं। आपके यहाँ से केस निकल जाएगा, हार जाएंगे आप। जस साहब, हम नहीं लड़ पाएंगे ये केस। हम जा रहे हैं जस साहब, हम जा रहे हैं यार। यार हमसे बहुत, हमसे नहीं हो पाएगा ये केस। अरे अरे गुप्ता जी, ऑर्डर ऑर्डर। क्या लाऊं सर? चाउमीन, बर्गर, डोसा, मोमो, चिली पराठा, टमा पराठा, सड़ा पराठा। ऐसो कर, मूली के चार पराठे कड़वो तेल लगाई के लगिया। पहले तलाक दिलाइए हमको इस औरत से, फिर लेके आएंगे। हमें भी अब तलाक चाहिए, नहीं रहना इस खड़ूत जानवर के साथ। देखिए आप लोगों का तलाक अब नहीं हो सकता है, क्योंकि आप लोगों के तलाक की लिमिट पूरी हो चुकी है। तो हम क्या करें? लिमिट बढ़ाइए, हमें अभी के अभी तलाक चाहिए। देखिए ऐसा करिए, ऑनलाइन तलाक कर लीजिए, जो आजकल के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करते रहते हैं। जो भी करना है जल्दी करिए, थोड़ी देर में निकाह है हमारा, हमें जाना होगा यहाँ से। गुप्ता तू मिल मुझे बाहर, तुझे मैं बताता हूँ, बहुत निकाह की जल्दी पड़ी है ना तुझे। अरे अरे यार, हमारे साथ थोड़ी ना होने जा रहे हो निकाह है यार, तुम यार खाली उबले पड़ रहे हो, गलत मत ले जाइए। देखिए हम खुद कंफ्यूज हो गए ससुर, ये दोपहर में नया कौन आ गया निकाह करने। इससे निकाह तो अब तुम्हारे साथ ही होगा, जस साहब जल्दी तलाक कराइए। मैं एक मिनट भी यहाँ पर नहीं खड़ा होना चाहता। इस औरत की शक्ल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है मुझे, मुझे लैटरिन आने लगी है इसकी शक्ल देख करके। जस साहब जल्दी तलाक कराइए। देखिए आप लोग ऑनलाइन तलाक कर लो, सबसे बढ़िया रहेगा। वो कैसे होगा? हाँ तो अपना अपना मोबाइल निकालो दोनों लोग। हाँ, निकाल लिया। अब खोलो व्हाट्सएप। खोल लिया। अब तुम दोनों एक दूसरे को ब्लॉक मारो जल्दी से। कर दिया ब्लॉक। अरे जस साहब, हमने तो ऑलरेडी ब्लॉक कर रखा है, और भी बार ब्लॉक करवाओगे? तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे ब्लॉक कर रखा है, मैं तोड़ दूंगी तेरा। तू साला आज तक कोई कहाँ आ रही है अपने पाले में जा। कैसे किया मुझे, आज तक किसी ने ब्लॉक नहीं किया, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू तो मारा ये ब्लॉक करता है।